गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू चैनल, क्योंकि मैं पुराने वाले चैनल का ना पासवर्ड और आईडी दोनों ही भूल गई थी, तो मुझे न्यू चैनल बनाना पड़ा। तो मैं आज इस चैनल पे लेके आई हूँ बहुत ही छोटी सी और कॉमन सी रेमेडी, लेकिन वो मतलब मैं यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही बेनिफिशियल है इस टाइम गर्मी में, जैसे कि एक्ने हो जाता है, सनबर्न, एंड गर्मी से भी फेस काफ़ी डल हो जाता है ना जैसे धूल। तो मैं लेके आई हूँ एक छोटी सी रेमेडी इन सब चीज़ों के लिए, वो है ये बेसन हल्दी और मलाई से बना हुआ एक छोटी सी रेमेडी है ये। तो हम देखते हैं इसे बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम लेंगे बेसन, हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है, देन हल्दी पाउडर ले लेंगे एंड मिल्क, आप चाहे तो पानी भी मिला सकते हो, बट मैंने इसमें मिल्क मिलाया है और ये क्रीम भी, इससे हमारे फेस पे मॉइस्चर बना रहेगा वरना फिर टाइट टाइट सा हो जाता है। जो अब हम इसे मिक्स कर देंगे, जो बेसन होता है हमारा रिमूव करता है डर्ट को एंड ये हमारी जो स्किन पीएच लेवल है उसको भी बैलेंस करता है एंड एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है हमारे और ये बिल्कुल नेचुरल होता है। तो ये बनने के बाद कुछ ऐसे दिख रहा है, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है इसे एंड ये काफ़ी पतला है, मैंने इसलिए इसे ऐसे बनाया ताकि ये जल्दी से सूख जाता है एंड मैंने इसमें क्रीम मिलाई है, मतलब मैंने दूध और मलाई मिलाई हुई है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप पानी भी मिला सकते हो, वो क्या होगा कि पानी से ना थोड़ा सा बस टाइट हो जाएगा और ये दूध और मलाई से ना थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें रहता है तो वो आसानी से छूट जाएगा। और इसके अगर आपको स्क्रबिंग की ज़रूरत है तो आप इसे ऐसे दूध पानी के साथ मिला के लगा सकते हो। तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे, तो इसे मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है और मैंने अपने हाथ से ही किया, आपके पास ब्रश हो तो ब्रश से कर लेना वरना हाथ से, मुझे हाथ से ज़्यादा सूटेबल लगता है, तो मैंने हाथों से ही इसे पूरे फेस पे ऐसे अप्लाई कर लिया। इसे हम अब सूखने तक अप्लाई किए रहेंगे, तो अभी ये फेस पैक बिल्कुल ही सूख चुका है, अब मैं इसे वॉश करूँगी। मैंने बहुत ही पतला सा लेयर लगाया हुआ था तो ये जल्दी सूख गया, मैक्सिमम 10 मिनट्स लगे होंगे इससे। तो अभी हमने फेस को वॉश कर लिया है, अब हम इसे ऐसे टॉवल से टैप टैप करके इसे ड्राई कर देना है। एंड इसे ड्राई करने के बाद अब जैसे गर्मी का टाइम है तो फेस ना बहुत रूखा रूखा सा हो जाएगा अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसलिए हम रोज़ वाटर, इसे मैंने घर का रोज़ वाटर है इसमें, तो मैंने इसे इसमें उसमें डाल रखा है, इसे मैं हमेशा अप्लाई करती रहती हूँ क्योंकि फेस ना डिहाइड्रेट हो जाता है, गर्मियों में हम भी डिहाइड्रेट होते हैं तो हमारी स्किन भी डिहाइड्रेट होती है, तो हम इसे अच्छे से मार लेते हैं और इसे ऐसे छोड़कर ठंडा ठंडा लगता है। इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ तो इसे ठंडा ठंडा सा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं दिन भर इसे लेके रहती हूँ, जब मन हो मार लो फेस पे। तो ये थी हमारी छोटी सी रेमेडी और ये ना 110% मेरे गारंटी के साथ कहती हूँ ये ज़रूर असर करेगी, आप एक बार देखो। इससे ना इससे क्या है कि नुकसान तो कुछ नहीं है लेकिन फ़ायदे बहुत है इससे, हल्दी हमारे डार्क सर्कल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी, मैं तो बहुत सारे डार्क सर्कल्स, मैं ग्लासेस लगाती हूँ ना तो मेरे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो मैं तो अभी काफ़ी कम है, मैं इसी को लगाती रहती हूँ। और अब अगर तुम यहाँ तक आ गए हो वीडियो देखते देखते तो ये रेमेडी एक बार छोटी सी ट्राई ज़रूर करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसे पैसे लगने हैं या फिर बहुत ज़्यादा कुछ काम करना है, बस अप्लाई करो, किचन में जाओ, दो तीन चीज़ें रखी होंगी, बस अप्लाई कर लो झट से। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।